हेलो दोस्तों, आज इस हल्दीराम के बहुत बड़े बॉक्स में हम देखेंगे बहुत ही अमेजिंग बागा बोगी के जूते। लिटरली पूरा डब्बा भर भर के हमने मंगा लिए हैं, बहुत सारे जूते आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो में धमाल मचाएंगे। पहले बागा बोगी के बॉक्स आगे हमारे पास में फ्रेंड में लिखा हुआ बागा बोगी बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्राइसिंग की बात करें यहाँ पर लिखा गया है 3499। इतना आपको पे नहीं करना है, डोंट वरी, बहुत कम पे करना है। बहुत अच्छे से ऐसे ना स्लीव में रैप होके आता है। ओ माय गॉड, इस जूते को ना मैं कब से अनबॉक्स करने चाह रहा था। फाइनली ये जूता एग्जैक्टली समझ लो कैसा लगता है, आप सबको पता है कैसा लगता है। ऐसे अगर इसके अपर बॉडी की बात करें, पूरी बॉडी जो है लेदर से बनी हुई है, मल्टीपल आपको पैचेस मिल जाएंगे, कलर ब्लॉकिंग डिजाइन है, यहाँ पर आपको बागा बोगी का ऐसे लोगो मिलता है, और ये ब्लू भी जो आप देख रहे हो ना, ये इस ब्लू में भी ना थोड़ा सा रस्ट जैसी ना डिजाइनिंग की गई है। और इसके बॉडी का जो कलर है वो व्हाइट है। फ्रेंड आपको वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे, और स्टिचिंग्स के भी थ्रू ना बहुत अच्छी डिटेलिंग की गई है। यहाँ पर जो आप ऐसी लाइनिंग देख रहे हो वो आपको ऑलिव कलर का मिलेगा, और यही कलर आपको यहाँ यहाँ पर इसके कॉलर के पास में भी देखने को मिलता है। इसका पूरा लेदर का बना हुआ है। फ्रेंड में आपको बागा बोगी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और अंदर में बहुत खूबसूरत चीज लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया, वेल पैडेड टंग है, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसका इनसोल बहुत अच्छा है। अंदर अंदर तक भी मैं यहाँ पर ऊपर ऊपर टच करूँ ना, हल्की हल्की पैडिंग की गई है, डेफिनेटली पहनोगे खूबसूरत लगेगा। आउटर सोल आपको हार्ड रबर का मिल जाएगा, दो कलर में बनाया गया है, नीचे आपको ग्रे मिलता है, बीच में व्हाइट मिलता है, एंड एग्जैक्टली जो इसका डिजाइन है एयर जॉर्डन 1 की तरह किया गया है। बागा बोगी के जितने भी बड़े कलेक्शन है ना, वन ऑफ माय फेवरेट जूता है उनके पूरे कलेक्शन में से। लिटरली इसका कलर, इसकी डिजाइनिंग मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, और जो प्राइसिंग है आपका दिल खुश हो जाएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन में इनके वेबसाइट को जरूर चेक करिएगा, वैसे सारे जूतों को मैं व्यू प्रोडक्ट्स पे भी डाल दूंगा, तो जाकर उसे देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि अभी बहुत देखने हैं। ऑलराइट, अब ब्लू के बाद निकालते हैं हम एक ऑरेंज बॉक्स, 2999। इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, बागा बोगी का कागज सेम ऐसे आपको रैप होके मिलता है। ऑलराइट, से जूता के हमारे पास में कलर देख सकते हो, आपको सिर्फ दो कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक और मस्टर्ड येलो। लेकिन इसकी जो पूरी अपर बॉडी है वो नीटेड फैब्रिक से बनाई गई है, और ऊपर में आपको लेदर के पैचेस और रबर की कोटिंग देखने को मिलेगी। जैसे फ्रंट में रबर की कोटिंग की गई है, लेस के साइड में आपको लेदर के पैचेस मिलेंगे, और इसके बीच में चार स्ट्रिप करके ऐसा करके डिजाइन किया गया है जो कि रबर की कोटिंग है। पीछे आपको लेदर का पैच मिलता है, मस्टर्ड येलो कलर का पुल टैब फ्रंट में और टंग में भी मिल जाएगा, और उसके ऊपर टंग में आपको बागा बोगी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टंग में आपको अच्छी पैडिंग मिल जाती है, और अंदर लिखा हुआ सेम मेड इन इंडिया, साइड में पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है, और इसका कॉलर कट थोड़ा सा हाई है। अंदर अगर इंसोल की क्वालिटी की बात करें, इसमें मेमोरी फोम यूज हुआ है, और अंदर तक भी छुए हल्के हल्के आपको पैडिंग मिलेगी, जब पहनोगे कंफर्टेबल लगेगा। मिड सोल की बात करें, पूरा ब्लैक कलर का मिड सोल है, जिसपे नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और वही सेम मस्टर्ड येलो का थोड़ा सा आपको टच मिलता है। ओवरऑल अगर जूते की बात करें, एक सिंपल बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल स्नीकर या रनिंग जूता आपके लिए हो सकता है, पहनना चाहो डेफिनेटली पहन सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक कलर में आता है। और साहब मुझे बताइएगा कमेंट में, ये जूता किस ब्रांड के जूते की तरह दिखता है। नेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास, बागा बोगी का प्राइसिंग यहाँ पे लिखी गई है 2999। इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, फटाफट निकालते जूते को। एक से एक जूता भाई, बहुत आ रहा है भाई। ऑलराइट, से जूता आ गया हमारे पास में, एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता है, और यही चीज ना बागा बोगी की मुझे अच्छी लगती है। जैसे अदर ब्रांड से, जिसके मैं नाम नहीं ले सकता भी, वो सारे ब्रांड्स की क्या होता है ना, एक सिमिलर पैटर्न से डिजाइनिंग होती है, लेकिन बागा बोगी में आपको अच्छा प्राइस तो मिलता ही मिलता है। लिटरली बहुत यूनिक डिजाइन होती है उनके जूतों की। अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश जूता पहनना पसंद है ना, बागा बोगी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इस जूते की बात करें, पूरा व्हाइट कलर का जूता है, जिसमें आपको बहुत सारे डिजाइन देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर का पैच मिलता है, वहीं पे पूरी बॉडी में देखोगे तो ग्रे कलर के ऐसे ऐसे करके ना पैटर्न्स बनाए गए हैं। वहीं इसके लेस के साइड में देखोगे तो सी ग्रीन कलर के आपको लेदर पैचेस मिलेंगे, और टंग भी इसका पूरा लेदर का बना हुआ है, और इसकी पूरी ओवरऑल बॉडी भी लेदर की बनी हुई है, व्हाइट कलर का लेदर यूज हुआ है। टंग में आपको लेदर का एक पुल टैब मिल जाएगा, जिसमें बागा बोगी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टंग की पैडिंग बहुत अच्छी है। यहीं पर जूते के पीछे देखोगे तो ऑलिव कलर का आपको वही सिंथेटिक स्वेट टाइप का यहाँ पर काम मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ यानी जूते के आउटर साइड में आपको बागा बोगी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। जूता बहुत ज्यादा स्टाइलिश है और अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती बना दिया गया है, इसमें क्वालिटी को मेंटेन रखा गया है। पीछे आपको एक फुल टैप मिल जाएगा, साइड में पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है, इनसोल भी इसका बहुत अच्छा है, आई एम इंप्रेस्ड। अंदर में आपको बागा बोगी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसकी मिडसोल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप्स मिल जाएंगे, और ये जो डिजाइनिंग है आपको बता दूं, नाइकी के जो रिएक्ट आते थे ना, उस तरह की इसकी डिजाइनिंग यहाँ पर बनाई गई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। वही आपको एंकल के साइड में भी हार्ड रबर ग्रिप मिलता है, लेकिन उसके नीचे एयर कंपार्टमेंट डिजाइन किया गया। बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ ये चीज, यही से मैं अगर अपने हाथ से भी दबाओ ना, बड़ी इजीली से दबते भाई। और अभी आप बीरोल देख रहे होगे, क्या खतरनाक प्रेस होता है। ओवरऑल जूते की बात करें, देखो ये व्हाइट कलर में है,
काफी वर्सेटाइल हो जाता है, स्टाइलिश तो है ही और कंफर्टेबल भी है, जाना चाहो जा सकते हो। देखो इनके सारे जूते बहुत अच्छे हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा जूता पसंद आ रहा है। लेडीज बाराबंकी के जूते का प्राइस है 2999, इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, बस लिखा हुआ है, बहुत कम आपको 1000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं, जूता बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है इसके साइज के हिसाब से। इसकी भी पूरी बॉडी लेदर से बनी हुई है, बीच में आपको ब्लैक देखने को मिलेगा और साइड साइड में फ्लोरोसेंट ग्रीन, और वही ग्रीन के साइड में देखोगे ये सारा जितना भी दिख रहा है ना आपको सारा लेदर पैच है, और उसके ऊपर ग्राफिक प्रिंट्स किए गए ऐसे नेट टाइप की। ऊपर में आपको सिल्वर कलर का पैच मिलेगा और पीछे फिर वही डिजाइन फॉलो हो जाती है। बाहर के साइड में आपको बाराबंकी की ब्रांडिंग मिलेगी और साइड में आपको ऐसे करके ब्लैक कलर मिलता है जहां पर इसका कॉलर है, ब्लैक कलर का आपको उसमें लेस मिल जाएगा। टंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेश से बनाई गई है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। फ्रंट में आपको बाराबंकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि पेंटेड है। सेम इसकी भी इंसोल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छा है, कहीं भी आपको अंदर में ऐसा रफ रफ जैसा फील नहीं होगा, चारों तरफ पैडिंग की गई है, कंफर्टेबल लगता है जूता। मिड सोल की बात करें, इसमें ईवीएफ फोम यूज हुआ है, नीचे आपको इसमें कोई हार्ड रबर ग्रिप्स नहीं मिलते सैडली, लेकिन यहाँ पर पीछे में ये जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक पीस देख रहे हो ना, बस पीछे यहाँ पर कोई एयर कंपार्टमेंट नहीं है। हालांकि अगर कलर की बात करें, थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड कलर है मेरे लिए और बहुत ज्यादा लाउड जूता है। मेरे पास ये पहुंच गया, इसके एक दो और कलर्स भी आते हैं, और इस जूते की भी डिजाइन आप देख के ही बता सकते हो जॉर्डन से इंस्पायर्ड है ये पूरा जूता, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका एक और मॉडल है मेरे पास, वो इससे भी जबरदस्त है, दिखाता हूँ अभी। ऑलराइट, सो आगे नेक्स्ट जूता है, इसकी प्राइसिंग की बात करें, लिखा गया 3,699, इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी, कम करना है। फटाफट निकालते जूते को, ओहो प्लास्टिक में आया भाई, व्हाट अ खूबसूरत जूता भाई, सही में इसकी डिजाइन बहुत अमेजिंग है। मतलब अपने बजट के हिसाब से कुछ यूनिक कर रही कंपनी, नया अप्रोच मार्केट में लाना ही बहुत बड़ी बात होती है, और बाराबंकी इसमें अच्छा काम कर रही है। इसमें बेसिकली आपको तीन कलर देखने को मिलेंगे, व्हाइट है, गोल्डन है और मरून है, बेसिकली दो मेन कलर है व्हाइट और मरून। इसकी भी पूरी अपर बॉडी लेदर से बनी हुई है, लेदर की क्वालिटी अच्छी है, मैट टाइप का लेदर है, शाइन नहीं करता है, और जूते के साइड साइड में आपको वही सिंथेटिक स्वेड लेदर के पैचेस मिलेंगे जो कि मरून कलर से है, और उसके ऊपर ऐसे करके गोल्ड के पैचेस देखने को मिलेंगे, बी प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर कुछ नहीं, यानी अंदर के साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बात करेंगे टंग की, टंग में आपको पूरा पैडिंग मिल जाएगा, मेश का टंग बना हुआ है, फ्रंट में आपको लेदर मिलता है, बाराबंकी की ब्रांडिंग मिलती है। लेस काइलेट्स में यहाँ पर कोई मेटल रिंग्स नहीं यूज हुए हैं, लेकिन एंड में आपको दो मेटल के रिंग्स मिलेंगे, गोल्ड कलर के हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, और पहली बार मैंने किसी जूते में नट शेप काइलेट्स देखा है। अंदर के पैडिंग की बात करें, अच्छा पैडिंग वैडिंग है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनसोल अच्छा है, अंदर की पैडिंग वैडिंग सब कुछ अच्छी है। फर्स्टली अगर देखोगे तो इसका जो आउटर सोल है वो ट्रांसलूसेंट टाइप का बनाया गया, यानी थोड़ा आर पार आप देख सकते हो, पूरा रेड या मरून कलर का बहुत ज्यादा आई कैचिंग लगता है। यही सेम चीज हमने बहुत पहले भी जूतों में देख रखा है, लेकिन वो ऐसे हाई टॉप्स नहीं होते थे। जिन लोगों को एक अच्छा इंस्पायर्ड जूता पहनना है ना, जिसमें फेक वाला मार्का ना लगा हो, आप डेफिनेटली बाराबंकी के इन जूतों के लिए जा सकते हो। राइट, नेक्स्ट जूता आ गया बाराबंकी का, अब ऑरेंज निकाला है हमने, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 3,999 भाई, 4,000 रुपए, आखिर इसमें क्या खास है? ऐसा खास तो है। दो कलर आपको देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड गोल्डन, और थोड़ा थोड़ा कहीं पे ग्रे मिलेगा। वैसे अगर जूते की पूरी अपर बॉडी की बात करें, पूरा जूता मेश से बना हुआ है, मल्टीपल पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे लेदर के, इसमें सिंथेटिक स्वेड लेदर यूज हुआ है, और कहीं पे आपको सिंपल प्लेन लेदर मिलता है। लेदर की क्वालिटी की बात करें ना, अच्छी लेदर की क्वालिटी, आपको चीप फील नहीं होगा। वही सारे लेदर पैचेस के बीच में देखोगे ना, फ्रंट के साइड में यहाँ पर कलर चेंजिंग टाइप का मटेरियल और पैच यहाँ पर लगाया गया है, खूबसूरत लगता है, अलग अलग लाइट सोर्स में अलग अलग दिखता है, कभी लाल कभी पीला, लाल पीला नहीं दिखता है, कभी पर्पल कभी ब्लू, ऐसा करके दिखता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। वही ब्लैक के ऊपर आपको गोल्डन पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे, पीछे आपको ग्रे पैच मिलेगा, लेस के साइड साइड में आपको लेदर पैचेस मिलेंगे, टंग भी इसका पूरा मेश का बना हुआ है, फ्रंट में आपको बाराबंकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इसमें आपको एक पुल टैब मिल जाएगा, पीछे लिखा हुआ मेड इन इंडिया, ब्लैक कलर का लेस मिलता है, साइड में पैडिंग वैडिंग इसकी भी बहुत जबरदस्त है। अंदर इसमें मेमोरी फोम यूज हुआ है, मेमोरी फोम की क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है। अंदर देखोगे तो अंदर पैडिंग वैडिंग सब कुछ मस्त है, अच्छा लगेगा पैर में पहनोगे तो। बात करें अगर इसके आउटर सोल की, तो भाई आउटर सोल इसका पूरा सेम ट्रांसलूसेंट टाइप का बनाया गया है, अंदर में आप इसका फोम देख सकते हो, उसके अंदर एयर वेयर नहीं भरा हो गया है, लेकिन खूबसूरत लगता है देखने में। इसके फोम को टच करना है, नीचे से ऐसे फील कर सकते हो, फोम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और यहाँ पर पीछे ऐसे देखोगे ना तो ऐसा लगता है यहाँ पर दो आंख है और इसमें मुंह खुला हुआ किसी का, ऐसा करके बड़ा यूनिक सा डिजाइन है। साइड से देखोगे ना, ये एग्जैक्ट नाइकी के एयर जूम पॉकेट जैसा दिखता है, बहुत स्मार्टली बाराबंकी इन जूते को डिजाइन करती है, खूबसूरत खूबसूरत एलिमेंट्स ऐड करके। ऑलराइट, नेक्स्ट और जूता हमारे पास में, इसकी प्राइसिंग है 3,499, फटाफट निकालते हैं इस जूते को, फट से है। और ऐसे जूता के हमारे पास में, इसकी पूरी बॉडी लेदर से बनी की है, इसमें भी बहुत ज्यादा खूबसूरत व्हाइट लेदर यूज हुआ है, व्हाइट कलर, यानी सब चीजों के साथ पहन सकते हो। और ये मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं। बाराबंकी का आपको इसमें टैग मिल जाएगा, लेदर पे आपको बहुत सारे मल्टीपल होल्स मिल जाएंगे वेंटिलेशन के लिए, फ्रंट में आपको ग्रे कलर का पैच मिलता है, और अंदर अंदर में बड़ी यूनिक यूनिक सी डिजाइनिंग है। ओवरऑल इसकी जो पूरी बॉडी है मेश से बनाई गई है, और ये मेश आप इसके पीछे साइड में देख सकते हो, पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर ऐसा करके पुल टैप जैसा दिया गया है, ये पुल टैप नहीं है, पुल टैप आपको अलग से यहाँ पे दे दिया गया है। यूनिक सी आपको डिजाइनिंग मिलेगी जिसके ऊपर आपको बाराबंकी की ब्रांडिंग
मिलेगी जो कि पेंटेड है। पीछे आपको ग्रे कलर का सिंथेटिक टाइप का स्वेट लेदर दिया गया है, एग्जैक्ट स्वेट लेदर नहीं है ये। टंग आपको पूरा मेश का मिलता है जिसके ऊपर लेदर पैच के ऊपर बाकाबुकी का लोगो दिया गया है। और इसके भी सोल को देखोगे ना सेम एग्जैक्टली जैसा हमने पिछले वाले जूते में देखा, वही एग्जैक्ट सोल यहाँ पर दिया गया है लेकिन अल्ट्रा खूबसूरत लेवल में, क्योंकि इसको ऑफ व्हाइट कलर में दिया गया और उसके अंदर के फोम में पेंट के स्पैसेस दिए गए हैं जो कि व्हाइट के ऊपर ऐसा करके दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं कोई चेरी वाला ना आइसक्रीम खा रहा हूँ। जो टूटी फ्रूटी आइसक्रीम होती है वो कैसे दिखती है, एग्जैक्टली वैसा दिखता है। खा जाओ क्या? नहीं, बचपन में बहुत खाया है लेकिन देखने में ओवरऑल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। राइडिंग राइडिंग अच्छी है, अंदर अंदर सब कुछ सेम अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे जूते हैं बाकाबुकी की वेबसाइट पर, अगर जाना चाहो जा सकते हो। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग जूते की तरफ। ओह भाई अभी भी पूरा डब्बा भर के है भाई, जूता फटाफट निकालते हैं एक करके। नेक्स्ट वाले जूते की एमआरपी पे लिखी गई है 2999, हमको पे नहीं करना, डोंट वरी। ये भी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जूता है। ए आई आई कागज लीजिए, कागज की मैं 150 भी नहीं दूंगा। और अगर जूते की बात करें, इसकी भी पूरी बॉडी निटेड फैब्रिक से बनाई गई, लेकिन खास क्या है ब्लैक थ्रेड में ना गोल्ड कलर यूज किया गया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर इसके नेटिव फैब्रिक के अंदर अंदर में देखोगे ना, वही आपको गोल्ड थ्रेड से ना अंदर में ऐसे डिजाइनिंग्स दिखेगी। लेस के साइड में आपको शाइनी रबर के पैचेस मिल जाएंगे जिसके ऊपर गोल्ड कलर से एलिगेटर प्रिंट्स देखने को मिलेंगे, और यही एलिगेटर प्रिंट्स आपको पीछे भी देखने को मिलते हैं जो कि जूते में एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ खूबसूरती ऐड कर रहा है। क्योंकि ब्लैक ब्लैक है ना, तो एक तो ब्लैक यहाँ पर शाइन कर रहा है और उसके ऊपर ये जो गोल्ड कलर से डिजाइनिंग की गई है ना, मस्त लग रही है। सरप्राइजिंगली इसमें आपको कोई मेस का टंग नहीं मिलता बल्कि नेटेड फैब्रिक से टंग की डिजाइनिंग की गई है। बड़ा पतला सा मरियल सा टंग है, मतलब कोई गद्दा उद्दा है ही नहीं भाई। ऊपर में आपको बाकाबुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी गोल्ड कलर से और अंदर लिखा गया मेड इन इंडिया। साइड में इसकी भी पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है और इनसोल में आपको मेमोरी फोम मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी अच्छी है। पूरे ब्लैक जूते के ऊपर ऐसे ऑरेंज कलर का इनसोल कौन देता भाई। इसमें भी आपको ट्रांसलूसेंट टाइप आउटर सोल मिलता है, हमने बहुत सारे जूते में इस आउटर सोल को यूज होते देखा है, क्वालिटी अच्छी है। इसमें भी फोम वोम सारा तगड़ा है, जाना चाहो जा सकते हो, कंफर्टेबल है। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, सो फाइनली दो और डब्बे बचे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत बड़े बड़े अमेजिंग हॉल्स ला रहे हैं, तो मेक श्योर कि हमें जाकर फॉलो कर ले सारी जगहों पर। अब तक आपने हमें टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या करेगा इस, क्योंकि वहां पर हम रेगुलर बहुत सारे सेल्स के, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के अपडेट दे रहे हैं जो कि आपको पता में नहीं होते कि क्या क्या इंटरनेट में चल रहा है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जूता हमारे पास में, इसकी भी प्राइसिंग लिखी गई है 2999, फटाफट से निकालते हैं। आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि बाकाबुकी को जाके एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनके साइट में ना मस्त मस्त जूते बहुत अच्छा अच्छा प्राइस में, और इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं व्यू कार्ड में डाल दे रहा हूं तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जूता बहुत ज्यादा खूबसूरत तो है ही, लेकिन एक बहुत पुराने मेरे फेवरेट नाइकी के जूते की याद दिलाता है। ये जो जूता है एग्जैक्टली नाइकी एयर फोर्स 1 SF जैसा डिजाइन किया गया है। इसकी जो पूरी बॉडी है वो लेदर से तो बनी गई है, लेकिन आपको पूरी बॉडी में ऐसा सिंथेटिक स्वेट वूली वूली जैसा लगता है, बड़ी खूबसूरत कंबल जैसा फील होता है। ग्रे कलर का आपको उसमें लेस मिल जाएगा, मल्टीपल लेदर के पैचेस मिल जाएंगे, बाहर की तरफ बाकाबुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पर दो आइलेट्स ऐसे डिजाइन किए गए वेंटिलेशन के लिए। पीछे आपको एक बहुत बड़ा लेदर पैच के थ्रू पुल टैप डिजाइन किया गया है और इसमें आपको ना दो ऐसे करके बकल्स मिलते हैं, एक तो ऐसे करके टक से ऐसे खोल सकते हो और बकल को एडजस्ट कर सकते हो, और दूसरा जैसे हमारे बैग्स में होता था ना ये बकल वाला, ये इस तरह से डिटैचेबल जो बकल होता है उस तरह का यहाँ पर डिजाइन है। और ये एग्जैक्टली डिजाइन उस जूते में भी किया जाता था, एक ऐसा रहता था और एक ऐसा रहता था, एग्जैक्टली यही डिजाइन। आपको बहुत बड़ा इसमें टंग मिलता है, ऊपर में बाकाबुकी की ब्रांडिंग मिलती है और अंदर में इसकी पैडिंग वैडिंग सब कुछ बहुत अच्छी है, इनसोल बहुत अच्छा है, चारों तरफ जूते को एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है और कहीं भी ना आपको ऐसा चीपनेस जैसा फील नहीं होगा। हालांकि ये जूते उन्हीं लोगों को पसंद आएंगे जो हाई टॉप्स पहनना पसंद करते हैं। ओवरऑल अगर जूते की बात करें, बहुत ज्यादा सिंपल खूबसूरत कलर तो है लेकिन यूनिक डिजाइन के साथ आता है। अगर आपको नाइकी वाला एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन सस्ते में अच्छा चीज चाहिए तो डेफिनेटली बाकाबुकी के इस जूते के लिए जा सकते हो। इसके आउटर सोल की बात करें, सेम एयरफोर्स 1 जैसा डिजाइन है, दो कलर में आता है, नीचे आपको ग्रे मिलेगा ऊपर व्हाइट मिलेगा, बहुत खूबसूरत तरीके से वेल डिजाइंड है बाकाबुकी की तरफ से। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट अमेजिंग बाकाबुकी के जूते की तरफ। ऑलराइट, आ गए हम अपने लास्ट एंड अमेजिंग बाकाबुकी के जूते की तरफ 2499। डोंट वरी, इतना आपको पे नहीं करना, फटाफट कागज से निकालते हैं और एक बार वेट चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, जूता आ गया हमारे पास में। हमने इसके दो और कलर्स को ऑलरेडी यहां चैनल पे दिखाया हुआ है, एक व्हाइट पूरा एक ब्राउन वाला, बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। इसकी जो पूरी अपर बॉडी है सेम लेदर से बनी हुई,
होती है वही थोड़ी थोड़ी फ्लीस वाली डिजाइनिंग, या समझ लो कि सिंथेटिक स्वेट लेदर जैसा यूज किया गया है। मल्टीपल लेदर पैचेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक फ्लैप जैसा मिलता है जिसके थ्रू आप लेस को पार कर सकते हो और अटैच कर सकते हो और बांध सकते हो अपने लेस को। रैंक की बात करें, जैसा मैंने आपको पिछले वाले जूतों में भी बोला था, जो ये वाला मॉडल हमने पहले दिखाया था उसमें मुझे इसका टंग थोड़ा शॉर्ट लगा और अभी भी वही थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है। राइडिंग वाइडिंग वेल्ड बहुत अच्छी है, ऊपर में आपको बाकाबुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि पेंटेड है और साइड में पैडिंग वाइडिंग इसकी कॉलर की अच्छी है। डेफिनेटली एक अच्छे वेल्ड डिजाइंड जूता है, इनसोल की क्वालिटी अच्छी है, पैडिंग वाइडिंग सब कुछ अंदर में बहुत अच्छा है। पीछे आपको उसमें कोई पुल टैप नहीं मिलता, लेकिन पीछे में आपको बाकाबुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आउटर सोल की बात करें, इसमें रबर यूज किया गया है और नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप्स मिल जाएंगे जो कि आपके मिड सोल को प्रोटेक्टेड रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तीन कलर में आता है, इसका एक पूरा ब्राउन कलर भी है, पूरा व्हाइट कलर भी है, ब्लैक भी आता है और ये नेवी ब्लू कलर का भी आता है। सारे ऑप्शंस के लिए आप जा सकते हो। एक खूबसूरत लो टॉप स्नीकर है और ये भी जॉर्डन के ही मॉडल की तरह डिजाइंड है। लेकिन सीधी बात बता दूं कि इनके कोई भी जूते ऐसा करके कॉपी टाइप के नहीं लगते, बहुत ही अलग टच दिया जाता है इन जूतों में एंड खूबसूरत बनाया जाता है। जिस प्राइस में ये सारे जूते आते हैं ना, डेफिनेटली एक एक रुपया आपको वर्थ इट लगेगा। एंड अगर आपको ये मैसिव बाकाबुकी की हॉल अच्छी लगी तो मेक श्योर यू वीडियो को लाइक करके चैनल में जाकर सब्सक्राइब करके हमें टेलीग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम में जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।